एसएमएस न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हां, देशभक्ति जनसेवा के साथ साथ रेलवे सुरक्षा बल जो हम सबकी सुरक्षा में रेलवे की सुरक्षा भी करता है, आज ये शानदार देशभक्ति का व्यू आप देख सकते हैं। हम 75वां अमृत महोत्सव जो चल रहा है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी द्वारा जो पहल की जा रही है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसको लेकर ये बाइकर्स जो आरपीएफ के, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, रॉयल एनफील्ड की ये बुलेट्स हैं, साथ में आरपीएफ का फ्लैग लगा हुआ है और यह देशभक्ति और जनसेवा का संदेश दे रहे हैं। और साथ में जो तीन रंग का ये तिरंगा है जो हमारी आन बान शान और बलिदान का भी प्रतीक है, ये वो शानदार बाइकर्स हैं जो रतलाम से चले, रतलाम से बामनिया और बामनिया के बाद यहाँ मेघनगर रेलवे स्टेशन पहुँचे। और इसके साथ ही हमारे पास में एक एलईडी का व्यू भी देख रहे हैं किस तरह से रेलवे सुरक्षा बल पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कोई भी एरिया हो, सुरंग की एरिया बात करें, इस प्लेटफॉर्म्स की बात करें, या फिर किसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को रेलवे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किस तरह से काम करता है, वो इस एलईडी स्क्रीन पे देखा जा सकता है। हम चलते हैं यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के थाना प्रभारी महोदय, महिला सुरक्षा बल, कहते हैं कि जगत जननी एक मातृशक्ति होती है और हिंदुस्तान में वो कर दिखाने की काबिलियत मातृशक्ति में है। तो लगातार पुरुषों के साथ महिला भी कंधे से कंधा बढ़ा रही है। एक महिला थाना प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित है। मैडम, क्या नाम है आपका? लिनेश बेराकी। लिनेश बेराकी नाम है। और मैडम, किस तरह की ये यात्रा है, क्या उद्देश्य है इसका? हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अमृत महोत्सव के रूप में। इसमें हमारे पूरी भारतीय रेलवे ने एक बुलेट रैली का आयोजन किया गया है, उसी प्रकार श्रमदान किया जा रहा है, हर स्टेशन पर जल सेवा की जा रही है और ऐसे कई विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम गौरी शंकर गौतम है। मेरी तैनाती हाल में रेलवे मुख्यालय चर्च गेट में है और हमारे महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे पश्चिम रेलवे पे बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के आयोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो हमारे भारत के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे अमृत महोत्सव के दौरान जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान और योगदान हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए दिया था अपना, उनको सम्मान देना, इस आज़ादी का महत्व हमारे लिए तभी है कि जब हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करें और उनके परिवारजनों को याद दिलाएं कि आपके जो दादा परदादा थे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था। तो हम हर घर तिरंगा और हर स्वतंत्रता सेनानी के घर घर जाकर सम्मानित करने का काम रेलवे सुरक्षा बल द्वारा और भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में किया जा रहा है, जिसके हमारे मुख्य निर्देशक हैं हमारे महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली और हमारे महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल चर्च गेट मुंबई और रतलाम मंडल के मंडल वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री मिथुन सोनी साहब, उनके मार्ग निर्देशन में आयोजन किया जा रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति के मन में भारत की आज़ादी के प्रति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान उत्पन्न हो और आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ियां इसी तरह भारत को स्वतंत्र रखें और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। भारत माता की जय। एक जयकारा हमारे बीच में, सरदार जी भी हैं। जयकारा सरदारों का हिंदुस्तान में बड़ा महत्व है और एक जयकारा जैसे हमारे टीआई महोदय ने लगाया, एक आप भी जोरदार जयकारा लगाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, जितना इनके आवाज में दम है इसलिए सिंह इज किंग कहा जाता है। और एक हमारे बीच में सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार जी भी हैं। हालांकि कई हुनर यहाँ पे थाना प्रभारी और इनके साथ में जो दल बल है उनके साथ में देखा जाता है, चाहे वो पावर की बात करें, बुलेट्स चलाने की बात करें, महिला शक्ति की बात करें, सरदार जी की बात करें। एक गीत आपके माध्यम से जनता के लिए, कोई भी देशभक्ति गीत, कोई भी। ए मेरे वतन के लोगो, जोरदार तालियां बजाने एक बार। जो शहीद हुए हैं उनकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब चलते हैं, ये जो व्यू है, ये व्यू जो व्यू हम दर्शकों को बताने चाह रहे हैं, आमतौर पे आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा। और ये एक शानदार बैंड जो कि दिल्ली
हिंदुस्तान दिल वालों की है और दिल वालों की धड़कन से एक बैंड यहाँ पर आया हुआ है। झाबुआ के ट्राइबल क्षेत्र में छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन ये दिलों की धड़कन और हमारी आन बान शान जो तिरंगा है उनके लिए जो छोटी सी छोटी धुने और बढ़िया से बढ़िया गीत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। मैं तो ये एक YouTube के माध्यम से आपको दर्शकों को ए वतन यदि आप सुना पाए तो ये गाना हमारे सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर जो बैंड सुनाने जा रहा है ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आपको यह एक शानदार गीत यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल जो शानदार दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचा है और लगातार यह जो है आयोजन जो 75वां अमृत महोत्सव है लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आप खबर के साथ बने रहे ग्राउंड जीरो से SMS न्यूज के लिए नीलेश भानपुरिया कैमरा पर्सन भूपेन के साथ झाबुआ।